हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आपसे ट्वेल्थ की पोएम ला बेल्डम संस मर्सी पर डिस्कस करूंगा और लाइन बाई लाइन में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम इसके कीवर्ड ले लेते हैं। देखिएगा, ला बेल्डम संस मर्सी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, और ये जो आपकी पोएम है ये जॉन वर्ड्सवर्थ की अपनी स्वयं की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसमें ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट्स हैं। तो देखिए, पहले कीवर्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे। नाइट क्या है? मेडिएवल टाइम का जो योद्धा हुआ करते थे, जो के मध्यवीन पदवी थी, जो साहसिक कार्यों की खोज में घूमते थे, उसको हम नाइट कहते थे। मतलब हिम्मत वाले, साहस वीरता के कार्यों के लिए तत्पर रहते थे। एल वन होता है टू ट्रेवल या फेस पेन्स, है ना, परेशानी का सामना करना। लॉटरिंग वन होता है टू वॉक विदाउट पर्पज, है ना, बिना उद्देश्य घूमना। सेज वन होता है काइंड ऑफ ग्रास या ए काइंड ऑफ, है ना, सी ग्रास, इसे हम एलगी भी बोलते हैं, है ना, काई, जिसको हम काई कहते हैं। हैगार्ड वन होता है चिंतित या परेशान या थका हुआ। वो विगॉन मान होता है वेरी डिजेक्टेड, बहुत ज़्यादा दुखी। एंग्विश मान होता है सेवर पेन, बहुत अधिक पीड़ा। फ्रेग्रेंट मान होता है स्वीट स्मेलिंग, है ना, है ना, समझ में आ रहा है ना, सुगंधित, सुगंध वाला, फ्रेग्रेंट। और जोन बेल्ट होती है करदनी, जो कमर में पहनी जाती है। और सेट मान स्टीड, बैठा लिया। पेसिंग मान होता है धीरे धीरे चलने वाले, कदमों से चलने वाले, उनका घोड़ा था ना स्टीड घोड़ा। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर। मैनाड्यू ए सॉर्ट ऑफ हेवेनली फूड था, ये सॉर्ट ऑफ हेवेनली फूड, एक प्रकार का दैवीय स्वर्गीय भोजन। वो क्या था, है ना, स्वर्गीय भोजन। ग्रोट मान उत्थी कब्र, ऐसा बताया जाता है जो ग्रोट शब्द है वो स्वयं जॉन कीट्स का बनाया हुआ वर्ड है ये, जैसे इसका मतलब कब्र होता है, केव, गुफा, ठीक है ना। तो ये हमारे इंपोर्टेंट वर्ड्स रहे। अब देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, पहले जॉन कीट्स की अगर आप बात करते हैं तो जॉन कीट्स का जो लाइफ स्पेन है वो 31 अक्टूबर 1795 को था, इनका जो जन्म हुआ था, और इनकी जो डेथ थी वो डेथ 23 फरवरी 1821 को, लगभग 25 वर्ष कुछ महीना, 4 मंथ, मतलब, है ना, 25.5 महीने के लगभग, 25 वर्ष के होकर के लगभग ये ख़त्म हुए थे। ये बहुत ही युवावस्था में पोइट हो गए थे, और इन्होंने, ये ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट थे। ये पोएम उस समय लगी थी जब इनका भाई, जो इनका भाई था टॉम कीट्स, वो जो है ख़त्म हो गया था, और जो है उस समय ये कविता उन्होंने लिखी थी। और इस कविता की 2-3 थीम हैं। ये कविता उस समय भी लिखी थी कि एक फैनी ब्राउन नाम की लड़की थी जिससे ये शादी करना चाहते थे, और वह शादी के लिए मना कर देती है। तो उस समय भी ये भी ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट्स हैं कि उस समय इन्होंने ये कविता कंपोज की थी। तो देखिएगा, ये पोइम जो है, इसका टाइटल, अब टाइटल की बात करते हैं। जो पोइम है इसका टाइटल है ला बेल्डम संस मर्सी, है ना। पोइम का जो टाइटल है वो क्या है? ला बेल्डम संस मर्सी, है ना। तो ला ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, मतलब ये जो टाइटल है वो फ्रेंच टाइटल है। ला मीन्स द, या ए कर दीजिए। बेल माने ब्यूटीफुल, डेम माने, है ना, ए ब्यूटीफुल लेडी, मतलब डेम मीन्स लेडी, और सेंस मीन्स विदाउट, मर्सी माने, ये फ्रेंच है, एम ई आर सी बाई कर देंगे तो इंग्लिश की हो जाएगी, एक दयाहीन सुंदर स्त्री, इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रेंच टाइटल है, ठीक है। अब हम ये देखिए, फैनी ब्राउन की, मेरे हमने बताया था आपको कि फैनी ब्राउन के लिए लिखी हुई है, और ये बैलेड फॉर्म में है। मतलब क्या है? बैलेड फॉर्म में, 4-4 लाइन में बैलेड लिखा जाता है, बैलेड है 4 लाइन का, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें 12 स्टेंजा हैं। पहला जो स्टेंजा है क्वेट्रेंस फॉर्म में है, ठीक है ना, क्वेट्रेंस मतलब 4-4 लाइन की, 4 लाइन में होता है तो क्वेट्रेंस कहते हैं, चौपाई, इसको हिंदी में कहते हैं चौपाई। ये बिल्कुल ऑटोबायोग्राफिकल है, मैंने आपको पहले बता दिया, ये ऑटोबायोग्राफी है, उनकी स्वयं की आत्मकथा है, अपने बारे में ही सब कुछ ये वर्णन करना चाहते हैं, है ना, कुछ इसमें कोई और चीज़ नहीं है। जो फैनी ब्राउन से उनका अफेयर चला था उसके बारे में कहते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन वो उन्होंने दिखाया है किस प्रकार से वो दुखी हो गए थे लास्ट में चल करके, और हालांकि उनकी डेथ हो जाती है फिर, और वही फैनी ब्राउन उनकी काफ़ी मदद करती है।
इसमें देखिए एक स्पेशल बात है राइम में, अगर इस पैटर्न की बात करते हैं पैटर्न की, तो देखो पहली लाइन जो है वो दूसरी लाइन, सेकंड लाइन चौथी लाइन से राइम करती है। लॉयटरिंग सिंग, हर एक में देख लीजिए, विगॉन डॉन, हर स्टेंजा में आप देखिएगा, किसी भी स्टेंजा को लीजिए आप, जो देखिएगा ड्यू ट्यू, देखिएगा चाइल्ड वाइल्ड, मतलब हर एक में यही चीज़ आपको मिलेगी। तो ये हमारी बैलेड की पहचान है, ये हम इस तरह से पहचानते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं जो है डिवाइस की, पोएटिक डिवाइस की अगर बात करेंगे आप, तो पोएटिक डिवाइस के रूप में मेटाफर्स में बहुत भर दिया उन्होंने, जगह जगह मेटाफर ही है, बहुत मेटाफर है, मैं आपको बताता जाऊंगा कहाँ मेटाफर है। देखिएगा शुरू करते हैं हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ओ अरे व्हाट एट कैन एल, एल माने दर्द, अरे भाई आपको क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, शस्त्रों से युक्त योद्धा, आर्म्स माने शस्त्र, नाइट माने योद्धा, एट माने पर, शस्त्रों से लदे हुए शस्त्रों युक्त योद्धा आपको कष्ट क्या है। अलोन इन पैली लॉटरिंग, अलोन अकेले हो, पहल पीले हो गए हो, है ना, रक्तहीन हो रहे हो, लॉटरिंग विदाउट पर्पज, घूम रहे हो आप, पीले पड़ गए, कमजोर पड़ गए, अकेले हैं, घूम रहे हैं, क्या मतलब, ऐसा क्या है, क्यों घूम रहे हैं आप। नो वर्ड्स, द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम लेक, सेज माने एक काइंड ऑफ ग्रास फ्रॉम, है ना, नियर बाई द सी, तो जो घास है अर्थात कांसा भी कह देते हैं इसे, एलगी भी कह देते हैं, काई उसे कहते हैं, तो झील जो झील में झील है, झील में जो काई थी मतलब बिल्कुल वो तक सूख गई है, जो एलगी थी वो बिल्कुल सूख चुकी है। नो बर्ड सिंग, और कोई भी चिड़िया गीत नहीं गा रही है, इसका मतलब सुनसान माहौल है वहाँ पर। एंड बर्ड बर्ड एंड कैन आर्म्स, अरे योद्धा आपको क्या कष्ट है। सो हैगर्ड, अरे इतने बड़ा बर्ड बरीड लग रहे हो, टायर्ड लग रहे हो, बीबीगोन परेशान लग रहे हो, वो बीगोन आपको लगता है कोई आपको निश्चित ही डिजेक्शन है ना, हैगर्ड क्या है, वरीड हैं वो बीगोन, किसी पीड़ा से पीड़ित हैं, दुखी हैं आप। द स्क्वरल्स ग्रेनरी इज फुल, गिलहरी का गोदाम भरा हुआ है, एंड द हार्वेस्ट डन, अर्थात गिलहरी ने कार्य किया है, गिलहरी ने अपना ग्रेनरी माने होता है गोदाम, फुल माने भर लिया है, हार्वेस्ट डन, और फसल पक चुकी है, फसल कट चुकी है। आगे देखें, मतलब ये जो तीन स्टेंजा हैं, ठीक है, तीन स्टेंजा में तो केवल इस योद्धा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तीन जो पहला दूसरा तीसरा स्टेंजा है आप देख रहे होंगे, ये स्टेंजा, ये वाला और अगले वाला, ये स्टेंजा, यहाँ तक तो क्वेश्चन किए गए हैं, योद्धा कोई और नहीं है, योद्धा कोई और नहीं है, स्वयं ही है पोइट। आई से लिली ऑन द आईब्रो, ये फैनी ब्राउन के बारे में कहानी मैंने आपको बताई, फैनी ब्राउन के बारे में कहानी है, आई सी ए लिली ऑन द आईब्रो, आई सी ए लिली ऑन द आईब्रो, अरे भाई योद्धा आपके चेहरे पर, मैं तो आपके मुख पर, मुझे तो कुमुदनी का पुष्प नजर आ रहा है। लिली विद एंग्विश मोस्ट ड्यू, विद एंग्विश ऐसा लग रहा है, एंग्विश अर्थात मतलब पीड़ा से भरा हुआ है, पीड़ा युक्त है, मोस्ट गीला हो रहा है, फीवर ड्यू ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे उसे फीवर ड्यू है, किसका मतलब बुखार में पसीना आ जाता है, इस तरह से मुझे तो नजर आ रहा है जैसे पसीना बुखार में पसीना आ गया होगा, तो इसका मतलब आप किस पीड़ा में हैं, आप हैं किस पीड़ा से पीड़ित हैं आप योद्धा। ऑन दाई चीक्स वेडिंग रोज, और आपके जो चीक्स हैं आपके गाल हैं वो बड़ा तेजी फेडिंग फेडिंग मान मुरझा रहे हैं, रोज मानो गुलाब की तरह, फास्ट मान तेजी से, विदर्ड माने खराब हो रहे हैं टू, और उस आपके बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं, फैड हो रहे हैं, गुलाब की तरह से आपके जो गाल हैं वो मुरझा रहे हैं, इसका मतलब आपका चेहरा बिल्कुल बिल्कुल पीला पड़ रहा है, आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, बहुत मुझे उदास लग रहे हैं योद्धा, क्या हुआ है, मतलब उदास है तो वो पूछ रहा है, तब वो फिर रेस्पॉन्स, ये यहाँ से रिप्लाइड शुरू होता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वो अब तक तो सुनता है क्वेश्चन, अब यहाँ से रिप्लाइड देना शुरू करता है इस फोर्थ स्टेंजा से। आई मेट ए लेडी इन द मीट्स, मुझे एक महिला मिली थी चरागाह में, मुझे एक महिला मिली थी घास वाले स्थान पर, फुल ब्यूटीफुल बहुत सुंदर थी, फेरी चाइल्ड, क्या लगती थी, ऐसा लगती ऐसी मानो मालूम पड़ती थी मानो वह बहुत सुंदर थी, अर्थात बहुत परियों की रानी जैसी नजर आती थी मुझे, हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल कैसे थे, हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे, एंड हर फीट वाज लाइट, और उसके फुर के उसके जो फुट थे वो कैसे थे, हल्के थे फुट, एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आँखें बिल्कुल जंगली जैसी थी, अर्थात जंगल जैसी आँखें थी,
तो देखो बेटा यहाँ पर लिली, वो तो आया यहाँ पर आई से लिली ऑन द आईब्रो, लिली मुझे कुमुदनी जैसा पुष्प नजर आ रहा है, तो यहाँ आपने ले नहीं पाया। इसमें दो बार मेटाफर आ गया, एक यहाँ पर मेटाफर आ गया, यहाँ मेटाफर है, और यहाँ पर है योर फेडिंग रोज, क्या है गुलाब की तरह से मुरझा रहा है, ये यहाँ पर भी मेटाफर है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आई मेट ए लेडी, तो मुझे आई मेट ए लेडी, अब वो रेस्पॉन्स देने लगा, मुझे एक महिला मिली बहुत सुंदर थी यार उसके, है ना, फुल ब्यूटीफुल, बहुत परी जैसी भी लगती थी, हर हेयर वेल लॉन्ग लंबे वाले थे, वाज फुट लाइट, और उसके पैर हल्के थे, हर आईज वर वाइल्ड, लेकिन उसकी आंखें कैसी थी, जंगली थी। आई मेट ए गार्लैंड, वो कह रहा आई मेट ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके लिए क्या बनाई, एक माला बनाई, मैंने गार्लैंड तैयार की उसके लिए, ब्रेसलेट एक कंगन टू, और एक कंगन भी बनाया, ब्रेसलेट बनाया, एंड फ्रेग्रेंट एक करदनी बनाई, जोन माने कमर के लिए, और फ्रेग्रेंट सुगंध से, अर्थात सुगंधित पुष्पों की एक जोन करदनी बना दी। शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, एज सी डिड लव, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, एंड मेड स्वीट मून, और उसने कहा ठंडी प्रेम पूर्वक आह भरी उसने, स्वीट माने मधुर, मून माने प्रेम से भरी हुई इसकारी, और उसने प्रेम पूर्वक एक आवाज निकाली। समझ में आ गया बेटा ये भी, ठीक है ना। तो फेरी चाइल्ड यहाँ पर भी देखे, फेरी चाइल्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें है ना, इसमें नहीं है। आगे देखते हैं आई सेट, आगे देखते हैं आई सेट हर ऑन माई, सेट माने सीटेड, मैंने उसे बिठा लिया, हर माने उसे ऑन माई पेसिंग स्टीड, स्टीड मीन्स घोड़ा, पेसिंग माने धीरे धीरे चलने वाले, तो मेरा जो घोड़ा था धीरे चल रहा था उस पर मैंने उसे बिठा लिया। नथिंग एल्स कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स कुछ नहीं किया, सॉ ऑल डे पूरे दिन कुछ देखती रही, पूरे दिन कुछ नहीं किया, फॉर साइड लॉन्ग, साइड लॉन्ग एक तरफ बुड सी बेंट, बेंट माने झुकना, एक तरफ झुक गई, सिंग फेरी सॉन्ग, और वही फेरी थी अर्थात तो, वो दाएं बाएं केवल देखती रही और केवल परियों का गीत गाती रही। तो वो कहता है वो है मेरे धीरे चलने वाले घोड़े पर बैठ गई, उसने कुछ और नहीं किया, पूरे दिन दाएं बाएं देखती रही और झुकती झुक कर के वो परियों का गीत गाती रही। सी फाउंड मी रेली स्वीट, सी उसने फाउंड मी दिलाए, प्रोवाइड कराई मी रेलिश, रूट्स माने जड़े और रेलिश फूड, उसने मेरे लिए क्या स्वादिष्ट भोजन उसने मुझे प्रोवाइड कराया, अर्थात जड़ों युक्त उसने सुंदर सुंदर भोजन प्राप्त कराए, एंड हनी वाइल्ड और जंगली मक्खियों का, अर्थात सुंदर बहुत शहद, जंगल का शहद, मक्खियों का शहद उसने मुझे मीठा शहद भी खिलाया, एंड मन्ना ड्यू, मन्ना ड्यू यहाँ देखिए ये पर हाइपरबोलिक है, ये पर हाइपरबोलिक है, मन्ना ड्यू दैवीय भोजन, उसने यहाँ पर दैवीय भोजन ईश्वरीय भोजन भी उसने प्राप्त करा, मैंने उसमें दे चुका हूँ मैं आपको एक प्रकार का स्वर्गीय भोजन हाइपर बोले यहाँ पर तो उसने मुझे मन्ना ड्यू प्राप्त कराया, एंड सेवरल श्योर इन लैंग्वेज, और एक निश्चित भाषा में स्ट्रेंज, लेकिन भाषा थोड़ी अटपटी थी, भाषा तो सही थी लेकिन अटपटी, सी सैड मुझसे कहा आई लव डू ट्री, आई लव दी ट्री, मैं तुझे सच्चा प्यार करती हूँ, मुझसे बोली वह मुझे सच्चा प्यार करती है, तो उसने क्या क्या हुआ, वह मुझे उसने मुझे सुंदर सुंदर जड़ों वाले भोजन दिलाए, जंगली शहद प्रदान कराया, दैवी भोजन दिया, और फिर अंत में मुझसे बोली मैं तुझे सच्चा प्यार करती हूँ। सी टुक मी हर इल्फाइन ग्रोड, सी वह टुक मी माने मुझे ले गई, हर माने अपने, इल्फाइन माने होता है, इल्फाइन माने होता है परियों वाली, ग्रोट माने गुफा, वह मुझे परियों वाली गुफा की तरफ ले गई। एक परी इल्फाइन होती है, फेरी और इल्फाइन में अंतर है, इल्फाइन होती है धोखा देने वाली परी, और फेरी होती है सुंदर परी, दैवीय कार्यों के लिए ईश्वर के द्वारा प्रदान की जाती है, या ईश्वर जो वही जो दैवीय कार्यों के लिए होती है। तो सी टुक मी हर इल्फाइन ग्रोट, वह मुझे छलावे वाली ग्रोट माने कब्र की तरफ, वो उसे गुफा की तरफ ले गई। बेटा ये देखो हमने बता दिया है आपको, ग्रोट जो वर्ड है स्वयं उसके द्वारा निकाला हुआ वर्ड है, कीट्स ने अपने आप ये खोजा है वर्ड, एंड मैंने मीनिंग जो कीवर्ड आपको लिखे थे इंपोर्टेंट वर्ड से उसमें लिखा है, एंड देयर, और वहाँ पर सी वेप्ट, वहाँ पर रोई, एंड साइड फुल सोर, और आँखें भरने लगी, फुल माने पूरी तरह भरे हुए, सोर माने दुख से, और पूरी दुख से भरी हुई आँखें भरने लगी, एंड देयर, और वहाँ पर आई सर्ट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज, और वहाँ पर मैंने उन वाइल्ड माने कातिल, वाइल्ड माने जंगली, उनकी कातिल जंगली आंखों को मैंने, कातिल माने खूंखार, एक वाइल्ड है खूंखार, एक है जंगली, दो अर्थ हैं बेटा ध्यान रखेंगे, एक अर्थ है कातिल और एक अर्थ है जंगली, ठीक है ना, खूंखार और जंगली, और मैं वहाँ पर मैंने उन खूंखार जंगली आँखों को बंद कर लिया विद किस स्पोर, और मैंने उसका चार बार किस किया, चार बार मैंने उसका चुम्बन किया। समझ में आ गया होगा बेटा,
तो वह मुझे कहाँ ले गई, वह मुझे छलावे वाली है ना परियों की गुफा की तरफ ले गई, वहाँ पर जाके रोने लगी और पूर्ण दुख व्यक्त करने लगी। और वहाँ पर जाकर मैंने उसकी उन कातिल जंगली आँखों को है ना बंद कर लिया और मैंने उसका किस किया, चार बार मैंने किस किया। एंड देयर, आगे देखें, एंड देयर, और वहाँ पर एंड दे अरसी लुल्ड मी एसलीव, लुल्ड माने लोरी गाकर, मी माने मुझे, एसली माने सुला दिया, वहाँ पर मुझे उसने लोरी गाकर सुला दिया, वहाँ पर उसने मुझे लोरी गाकर सुला दिया। एंड देर आई ड्रीम्ड, और वहाँ पर मैंने स्वप्न देखा, आह अरे वो भी टाइड, वो भी टाइड, अरे कष्ट ने मुझे घेर लिया, दुखों ने मुझे घेर लिया, ए लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, और हाल ही अभी अभी मैंने स्वप्न देखा, वो कह रहा है मैंने जब स्वप्न देखा वो शायद ही मैंने ऐसा स्वप्न देखा था ऑन द कोल्ड हिल साइड, वो कह रहा है मैंने अपने आप को देखा कि मैं ठंडी पहाड़ी के पास में था, मतलब वो जागा होगा तो देखा, उसने स्वप्न देखा, स्वप्न में देखता क्या है वो, देखो बेटा आई सॉ पैल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, ये कह रहे मैंने पीले अर्थात मरियल से राजा देखे, कष्ट से पीड़ित राजा देखे, और मैं राजकुमार देखे, बैल बैरियर से जो बड़े बड़े योद्धा वीर देखे, और डेथ फेल वर दे ऑल, वे सब के सब मौत के समान पीले पड़ रहे थे, वे सब के सब परेशान थे, वे सब के सब बेचारे रक्तहीन हो रहे थे, दे क्राइड, वे चिल्ला रहे थे, ला बेल डेवन्स मर्सी, ए लेडी विदाउट मर्सी हैथ दी इंथ्राल, हैथ दी माने तुझे इंथ्राल, ये तुझे क्या कर देगी, ये तुझे धोखा दे देगी, ये तुझे कष्ट निश्चित रूप से तुझे धोखा देगी, इसलिए तू सावधान हो जा, कौन कहता है, पोइट कहता है, इसलिए तू सावधान हो जा, ये दयारी निश्चित तुझे धोखा देगी और इनसे तू सावधान हो जा। आगे देखिए, है दिथ्राल आई सॉ देयर स्टाब लिप्स इन द ग्लूम, मैंने उनके ओठों को स्टाब्ड, वैसे स्टाब्ड मानो था भूखे, लेकिन यहाँ पर भूखे लगा दीजिए या सूखे लगा दीजिए, पीड़ित लगा दीजिए, परेशान लगा दीजिए, लिप्स मैंने ओठों को ग्लूम, मैंने उनके ओठों को उदासी में खुले हुए देखा, मैंने है ना उसके ओठों को उदास ओठों को देखा, उदासी में देखा अर्थात निराशा में देखा, विद हरीड चेतावनी के साथ, वार्निंग अर्थात भयंकर वार्निंग चेतावनी के साथ, गैप्ड माने खुले हुए थे, वाइड माने पूरी तरह से, और भयंकर चेतावनी देने के साथ साथ वो खुले हुए थे भयंकर, और वे पूरी तरह से उनके मुँह फटे हुए थे और वे चेतावनी दे रहे थे क्या, आई एंड आई वॉक, और मैं जब जागा अवोक एंड फाउंड मी हियर, और मैंने अपने आप को वहाँ पाया ऑन द कोल्ड हिल साइड, मैंने अपने आप को ठंडी पहाड़ी के पास में पाया जहाँ पर मैं बहुत परेशान था, यहाँ पर मैं बहुत परेशान था, एंड दिस इज भाई यही बात है, आई सोजर्न हियर, दिस इज भाई यही बात है, आई सोजर्न हियर, सोजर्न माने ठहरना, स्टे, यही बात है कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ, एलोन पैलेली लॉटरिंग, अकेला हूँ, पीला पड़ गया हूँ, कष्ट भोग रहा हूँ है ना, बिना उद्देश्य के घूम रहा हूँ, दो दस्येज हैज बिदल्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि झील में घास पूरी तरह से मुरझा गई है, सूख गई है, नो बर्ड सिंग, और कोई भी चिड़िया अब गीत नहीं गुनगुना रही है, वो कहता है सुन लिया आपने ये सारी बातें, वो महिला में वो मैंने सभी राजकुमार ये देखे थे, सबके सब उन खुले हुए थे उनके, उन्होंने जब वो जागे तो उन्होंने अपने आप को पाया पहाड़ी के पास में है ना, तो मैंने पहाड़ी के पास में पाई, वो कहता है, और यही कारण है मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ और अकेला हूँ, पीला पड़ गया हूँ, और घास पूरी तरह से सूख गई है, और कोई भी चिड़िया गीत नहीं गा रही है। तो आज की बेटा मैंने ये आपको ये रिसाइट कर दी पोइम, ये आपको मैंने लाइन बाई लाइन पढ़ा दी, अगर ये आपको बेटा वीडियो पसंद आता है और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों को शेयर करना, और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी और मैं आपको और अच्छा लाभ कुछ दे सकूं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।